हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहो, एकदम दबा के। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि आप अपने डॉग्स को फल फ्रूट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो क्लियर कट बोलता हूँ कि आप बिल्कुल ही अपने डॉग को फल फ्रूट्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कौन से फल फ्रूट्स आपको देने चाहिए जिससे आपका पपी डॉग आपका लाइफ टाइम हेल्थी रहे, इस चीज का एकदम ध्यान रखें। तो अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया हुआ था मेरे पास, और उनके उन्होंने एक ऑलरेडी डॉग पप्पी बाय किया हुआ था, और उनको काफी खतरनाक वाली स्किन्स की प्रॉब्लम हो गई थी, डिजीज हो गई थी। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पिक्स वगैरह, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कितना नुकसान आपके डॉग को पप्पी को ये दे सकते हैं जो आप फल फ्रूट्स खिलाते हो। तो हरदम ध्यान रखें, देखिए डॉग्स को जब भी आपको डाइट देनी है ना फल फ्रूट्स वाली चीज, हरदम डॉग का जो स्टमक के जो रिगार्डिंग सिस्टम होता है उनका, सिर्फ आपको प्लेन चीजें देनी है, नेचुरल चीजें देनी है, प्लेन चीजें, मीठा खट्टा नमक मिर्च ऐसी कोई चीज आपको अपने पप्पी को नहीं देनी है, डॉग को नहीं देनी है। क्योंकि ये इन चीजों ये सब चीज देने से आपके डॉग को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इश्यूज आते हैं, और जब आएंगे तो आप इसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे अच्छे से। काफी डिफिकल्टीज होती है जब आपके डॉग को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है, और ठीक हो भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम ये वापस से घूम के आते हैं सीजन में, गर्मी के मौसम में, मॉइस्चर वाला जिस दिन मौसम रहता है उस टाइम से वापस से आपके डॉग को ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो हरदम ध्यान रखें, कभी भी नमक मिर्च वाला बिल्कुल खाना ना खिलाएं, मीठी कोई भी चीज ना खिलाएं, पपीता एप्पल बनाना इस टाइप की चीजें बिल्कुल ना खिलाएं। आपको खिलाना क्या है, आप खिला सकते हो थोड़ा सा, आप खीरा खिला सकते हो, ककड़ी खिला सकते हो, तरबूज होता है तरबूज के सीजन में आप रेड वाला ऊपर का खा लीजिए, और नीचे से जो एक स्लाइड आती है ग्रीन कलर की वो उतार के आप दीजिए, वो आपके डॉग के लिए अच्छा रहेगा गर्मी के टाइम में। इस तरीके की चीजें आपको अपने डॉग्स को या पप्पी को खिलानी है, और कम से कम 6 मंथ से पहले कभी भी अपने डॉग को फल फ्रूट्स बिल्कुल ही मत दीजिए, और आपको ये देना भी नहीं है बिल्कुल भी। और जो मैं बता रहा हूँ जो चीज दे सकते हो वो भी आपको 3-6 मंथ्स का जब हो जाता है उसी के बाद आप देना शुरू कीजिए। हरदम नॉर्मल डाइट में रखिए, जैसे घर का खाना जो आप घर के फीड्स में आप हरदम अपने डॉग को प्लेन खाना दीजिए। अगर आपके घर में प्लेन राइस बनता है राइस दीजिए, राइस दे दीजिए, डॉग फूड दीजिए अच्छी कंपनी का, और अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो मल्टीग्रेन फीड बना के रखिए अपने पपी के लिए डॉग के लिए, तो सबसे बेस्ट वही रहता है। पर नमक मीठा मिर्च इन चीजों से ज्यादा अपने पपी को अपने डॉग को दूर रखें। जब भी आप अपने डॉग की एक हेल्थी लाइफ बना सकते हो और आपका डॉग एक हेल्थी लाइफ जी सकता है, और आप भी अपने डॉग के साथ एक अच्छी तरीके से रह सकते हो। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई इश्यूज और कोई पॉइंट रह गया है तो आप अपने भाई को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो, टेक केयर एंड बाय बाय।